मैं गौतम प्रसाद एम ए ड्यू पॉल साइंस ऑनर्स आपको मैं आज बताने जा रहा हूं कि 11वीं क्लास का पहला चैप्टर जो हमारा है फर्स्ट चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशंस व्हाई एंड हाउ संविधान क्यों और कैसे हम चर्चा करेंगे संविधान किस तरीके से बना और कैसा था क्यों बना और उसकी क्या जरूरतें हैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को कुछ ना कुछ सीखने की जरूर मिलेगा एक मैसेज जरूर मिलेगा जिससे कि आपको आसानी होगी संविधान को समझने में आई होप कि आप इस वीडियो को समझें देखें जरूर एक बार देखें जरूर ताकि आपको कुछ समझ में आए तो हम बात करते हैं यहाँ पे फोर पॉइंट्स दे रखे हैं हमने एक है कॉन्स्टिट्यूशंस अलाउज द गवर्नमेंट कोऑर्डिनेशन एंड द असिस्टेंस इट मींस कि संविधान का पहला जो कार्य है वह क्या है जो कि समाज में समानता बनाए रखना कोऑर्डिनेशन एंड द असिस्टेंस और उस समाज का विश्वास को जीतना ना कि ऐसा संविधान तैयार कर देना जिससे कि समाज में असमानता फैल जाए संविधान ऐसा होना चाहिए जिससे कि समाज में एकजुट होकर रहे जैसे कि आज का हमारा समाज है हमारे आसपास हमारे घर के बगल में हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे जाति धर्म के लोग रह रहे हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंड असुरेंस एक समानता बना के रखे आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट इज स्पेसिफिकेशंस ऑफ डिसीजंस मेकिंग पावर अब जो कानून बनाती है वह पावर डिसीजन मेकिंग पावर वह कानून बनाने का कार्य पावर किसके पास हो अब आपको पता है हम घर में रहते हैं चाहे हम इंस्टीट्यूट जाते हैं इंस्टीट्यूट में पावर किसके पास होती है वहां के हेड मैनेजिंग डायरेक्टर उसी तरीके से हमारे घर में किसके पास होती है पावर हमारे पेरेंट्स के पास उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में भी पावर होती है ठीक है और कॉन्स्टिट्यूशन हमें यह पावर देती है कि हम अपने अकॉर्डिंग गवर्नमेंट बनाएं, ठीक है बिकॉज नाउ आर इंडिया इज डेमोक्रेटिक हमारा भारत लोकतंत्र है लोकतंत्र मीन्स कि जिसमें लोगों का शासन हो जिसमें लोग अपने द्वारा सरकार चुनी जा सके तो उसी तरीके से स्पेसिफिकेशंस ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर वह जो शक्ति है वह किसके पास हो वह शक्ति संविधान को दी जाती है संविधान ही हमारे लिए डिसाइड करता है कि हमें क्या कार्य करना चाहिए और क्या कार्य नहीं करना चाहिए नेक्स्ट पॉइंट थर्ड पॉइंट इज लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट अब जो पावर सरकार देती है अब उसमें हमें एक सीमाएं लगाई जाती है ताकि देखिए हमारा भी एक स्कूल जब हम जाते हैं उसमें भी एक सीमा होती है कि एक पीरियड हमारा 45 मिनट का होता है आफ्टर 45 मिनट द न्यू टीचर विल कम आते हैं नए टीचर आते हैं उसके बाद एक सीमा होती है कि हमें 12 बजे स्कूल जाना है और 6 बजे हमारी छुट्टी हो जाएगी ठीक है इस दरमियान अगर हम स्कूल से निकलते हैं तो हमारे ऊपर पनिशमेंट की जाती है आपने देखा भी होगा कि हमारा जो स्कूल का टाइम होता है 5 से 6 घंटे जो होते हैं उसके बीच में कोई बच्चा निकलता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है तो उसी तरीके से जो गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं उसका कोई उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर सख्त कानून लागू किए जाते हैं चाहे वह गवर्नमेंट भी क्यों ना हो ठीक है गवर्नमेंट भी उसका उल्लंघन नहीं करेगी नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट aspirations and goals of our society. अब हमारा constitution बन गया किसके पास पावर होगी एंड limitations क्या क्या सीमाएं होंगी अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे जो हमारा था aspirations and goals of our society. अब वह जो नियम कानून जो बने हुए हैं क्या वह समाज के लिए लाभदायक है उनकी आकांक्षाओं को पूरा करती है जी पूरा करती है अब बताएं हम कैसे करते हैं वह हम बताते हैं किस तरीके से वह आकांक्षाओं को पूरा करती है
जैसे कि एक तरीके से हमारे जो माता पिता है वह हमारी आकांक्षाओं को पूरा करते हैं, लाइक वह हमारी पढ़ाई का खर्च, खाने का खर्च और वो तमाम चीजें, हमें क्या पहनना है, हमें क्या ओढ़ना है, हमें क्या कैसे शिक्षा ग्रहण करनी है, वो सभी तमाम चीजों का वह लेखा जोखा रखते हैं। तो उसी तरीके से सरकार जो संविधान है वह भी एक सोसाइटी की आकांक्षाओं को पूरा करती है। वह किस तरीके से करती है, छोटा सा उदाहरण है हमारे पास, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारी महिलाएं आज भी उपले से खाना बनाती हैं। उपले से खाने बनाने के दरमियान जो वह धुएं से उनकी आंखों को जोर पड़ता है तो उससे भी उनकी आंखों को प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो उनकी सुविधाओं के लिए सरकार ने क्या किया, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उन्होंने उज्ज्वल योजना चालू किया, जिससे कि महिलाओं को आंखों की समस्याएं से छुटकारा मिला और शुद्ध भोजन और कम समय में भोजन का अवकाश मिल गया। ठीक है, अब हम आगे नेक्स्ट क्लास में और आगे बात करेंगे। आई होप कि आपको पसंद आया हो। थैंक यू सो मच। लाइक एंड कमेंट जरूर करें। आप कमेंट करेंगे जब भी आपको पता चलेगा मुझे नेक्स्ट क्या करना है। ठीक है, आपका कमेंट बहुत मस्ट है। थैंक यू सो मच।